गुडलक सैलून की लाइटें कितनी अच्छी लग रही है, वाली जो बीच में लगी हुई है। अच्छा अगरबत्ती जलाई, मैं डर गई इनके धुआं कहाँ से आ रहा है। इनके कैमरे के पास में से तार शॉर्ट हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं उठ गई हूँ। एक्चुअली मेरी क्या है कि तबीयत ख़राब है 2 दिनों से, तो मैं कल भी कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं दिन भर सोती रह गई। गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? तो दिनेश आ गया है दुकान जाने के लिए, फिर ये कुछ सामान भेज रहे हैं दुकान का। ओह लगेगी चोट। आती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे को फीवर जो आया था वो किस वजह से आया था मैं बताती हूँ। अभी मैंने कल परसों जो हमारी दुकान के अंदर जो पानी घुस गया था ना, गंदा पानी, तो उस दिन मैंने क्या किया था, वो गंदा पानी जब घुसा था तो मैंने वो कपड़े खुद ही धो लिए थे। उन्होंने मेरे को मना भी किया था कि मेड्स धो देंगी करके, तो मैंने रात में खुद ही धो दिए थे। मैं जल्दी धोंगी तो जल्दी सूख जाएंगे, उस चक्कर मैंने खुद से धो दिए थे। और जो गंदा पानी था वो सारा गंदा पानी मेरे हाथों में इस तरह से दिखे, ये हो गया मेरे हाथों का हाल। तो मेरे को ना पूरा इन्फेक्शन हो गया उस गंदे पानी से, हाथों में पूरा, दोनों हाथ मेरे इस तरह से हो गए हैं। तो मैं इसकी वजह से फिर मेरे को फीवर आने लग गया है। तो कल पूरा दिन भर, परसों रात से फीवर था, कल दिन भर ही फीवर था। तो आज थोड़ा सा कम है, देखिए शाम तक फिर आएगा। तो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं शाम को भी, सुबह भी, दिन में भी 3 टाइम दवाइयाँ खा रही हूँ, उससे थोड़ा सा फीवर कंट्रोल हो रहा है। तो फ्रेंड्स बारिश पड़ ही रही है, कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही है नैनीताल में, बरसात शुरू हो चुकी है। तो फिर से देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मौसम ख़राब है, बारिश पड़ रही है, खूब बारिश हो रही है, बरसात हो रही है नैनीताल में अच्छी वाली। फ्रेंड्स चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं लोग क्या बना रहे हैं नाश्ते में। आजकल नाश्ता विस्ता सब यही लोग बना रहे हैं। मेरा तो उठ के, कल तो मैं दिन भर में आई नहीं ऊपर, कल रात ही में ऊपर आई थी। तो देखते हैं अब ये लोग बना ही रहे होंगे, अभी तक बना नहीं होगा इनका नाश्ता। किचन का जो हाल होगा मैं समझ सकती हूँ, कल दिन भर में ऊपर नहीं आई तो किचन अभी तक ऐसे ही पड़ा होगा, तो आज भी नहीं हो पाएगा साफ। वो आके बाद में ऋतु ही करेगी। दागर अभी तक उठी नहीं है इनका, यहाँ पे चाय बन, हाँ चाय बन रही है। देखिए किचन का हाल बहुत ही ख़राब है और मैं हाथ लगा नहीं सकती हूँ, मेरे हाथों की हालत ख़राब है। तो ये लोग नाश्ता खुद से बना रहे हैं, जो जो भी बनाते हैं, देखते हैं क्या बना रहे हैं। ऑमलेट शॉमलेट। हाँ जी, स्वास्थ्य ठीक है? थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ा हाथ तो थोड़े बहुत सही तो नहीं हो रहे हैं, सही नहीं हो, ऐसे ही चल रहा है अभी तो हाथों का हाल। दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो एक्चुअली होता क्या, बारिश पड़ रही है और मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, तबीयत सही नहीं है क्योंकि डागर का काम है। कल भी तबीयत सही नहीं तो मैं कल भी नहीं गई इसके साथ, इसको जाना था पार्लर जाना था, कोई हेयर ड्राई वगैरह करना है, इसको कलर वगैरह करना है बालों में। तो कल भी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, उठनी बारिश, तो फिर कल ये फिर नहीं गई, इसने कहा कि आज जाएंगे, तो आज मेरे को जाना ही पड़ रहा है इसके संग में। बारिश पड़ रही है तो फिर हम निकल रहे हैं डागर, आज लास्ट होगी इस ब्लॉग में, इसके बाद फिर 5-6 महीने के बाद ही आएगी। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद पार्लर में जाके सीधे, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या दागर पार्लर में करवाने वाली है। दागर के बालों का जो है कलर चेंज कर रहे हैं हम लोग, पार्लर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए इसका जो ब्राउन ब्राउन सा बाल था ना, ये ब्राउन वाला, इसको हटा के पता नहीं क्या बनने वाला है, इसका मोदनी बनने वाली है अभी ये। कहाँ बज रहे? तो फ्रेंड्स मैंने आ गई थी दुकान पे ना, शॉप पे आ गई थी क्योंकि दागर का ना बहुत टाइम लग रहा था वहाँ पे, क्या कहते हैं उसके बालों में एक बार कलर जो करवाया था वो हुआ नहीं, फिर दोबारा से करने लगे हैं, दोबारा से करेंगे। तो अचानक मैं आ गई थी दुकान, दागर के कर्टन लेने थे हॉस्टल के लिए, कल जा रही है तो अब तक कर्टन भी नहीं लिए थे, और उसके बेडशीट लेनी थी तो मैंने उसका कर्टन बेडशीट और एक सूट लेना था वो लिया, किसी को गिफ्ट करने का था सूट वो लिया, वो सब लेते हुए फिर मैं दुकान आ गई। तो मैंने उसको बोला कि दुकान नहीं आ जाना करके। तो बारिश का मौसम, कीचड़ ही कीचड़ सब जगह, तक गंदा हो रहा है मौसम यहाँ पे, तो कहीं पर तो बिल्कुल बारिश नहीं पड़ रही, कहीं पर तो इतनी बारिश पड़ रही है। अभी मेरी अपनी मम्मी से बात हो रही थी, वो लोग कह रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल ही बारिश पड़ी, हिमाचल में जहाँ पे मेरी मम्मी लोग रहते हैं ना, बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ रही, पता वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ कह रहे सब पूरा, और यहाँ पे इतनी बारिश पड़ी कि हम थक गए हैं बारिश से भी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का कुछ नज़ारा, क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, खाली हो गया, सारा क्राउड चला गया बारिश से डर के। और मैंने देखी इतना मोटा जैकेट पहना, फीवर हो रहा था ना, तो मैंने जैकेट पहन के पूरा प्रोटेक्ट होके आई हूँ बिल्कुल ठंड से। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अभी बाहर का भी नज़ारा थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स शाम के ना 6:05 है और मैं दुकान से निकल रही हूँ अब घर की तरफ। घर की तरफ क्या निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ अब ऊपर दागर के पास, दागर पार्लर में ही है। अम्ब्रेला देना मेरा, बारिश पड़ रही है यार। तो बारिश है, हाँ पड़ रही है बारिश, तो
मैंने कलर दिखाता है इसका, जो मेरा मैजिकल अम्ब्रेला, ये देख रहे हैं आप, इसमें जो बटरफ्लाईज है ना, ये अभी ये जब गीला हो जाता है तो कलरफुल हो जाती है, जब इस छाता सूख जाएगा ना पूरा, तो बटरफ्लाई सारी ऐसी व्हाइट हो जाएंगी, ये वाली देख रहे व्हाइट, भीगते ही इसमें जैसे पानी पड़ेगा जैसे कलरफुल हो जाएंगे। तो मैजिकल अम्ब्रेला मैंने और दागना दोनों ने लिया, मैजिकल अम्ब्रेला बहुत ही बढ़िया मस्त है, पालिका बाजार में मिलता है, वहाँ से आप ले सकते हैं, पता नहीं क्या शॉप नंबर तो मुझे नहीं पता, पहली शॉप है वॉशरूम के सामने वाली, वहाँ से लिया मैंने ये, तो बहुत ही बढ़िया सा अम्ब्रेला, मतलब व्हाइट कलर पूरा कलरफुल हो गया, दागर का भी जो ड्रॉपलेट है उसके उसमें वो भी सारे कलरफुल हो जाते हैं। तो ये देखिए बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो इस तरह से है मौसम यहाँ पे। कोहरा देखिए, कोहरे में ऊपर पूरा एरिया छुप गया है, मल्लीताल का पूरा एरिया कोहरे में छुप चुका है, क्राउड हो ही रहा है और बिल्कुल हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो मेरे को ना पूरा घूमते हुए जाना पड़ेगा फड़के रस्ते से, क्योंकि इधर से पार्किंग वाले रस्ते में ना बहुत ही वो है, पार्किंग में पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा है अभी, तो मैं पार्किंग से नहीं जा पाऊँगी, आते हुए बड़ी मुश्किल से आई थी मैं कीचड़ के बीच से, और मैं पूरी गीली हो ही जाऊँगी अब ना, तो मैं जाऊँगी इस साइड से, तो ये फड़ वाले रास्ते से जाऊँगी मैं, आज तो फड़ लगी है, हाँ लोगों ने बड़े बड़े अम्ब्रेले लगा रखे हैं, इस तरह से लगी है फड़, देखिए बड़ा सा छाता लगा रखा है, तो फड़ की मार्केट भी लगी हुई है बारिश में, तो मैं जा रही हूँ ऊपर, दागर अगर इस तरफ से ना आई तो नीचे को, तो हम दोनों मिलेंगे नहीं, फिर मैं वहीं जा रही हूँ गुडलक जा रही हूँ मैं, तो गुडलक में मिलने वाले हैं हम दोनों। तो आप भीड़ देख सकते हैं, आज भी काफ़ी भीड़ है, मेरा मास्क भी नहीं है मेरे पास, फील्ड के अंदर को मैं नहीं जाऊँगी, इस तरफ पूछ रहा पार्किंग में पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, तो हम जा ही नहीं पाएंगे यहाँ से, चले जाऊँ क्या, चलिए मैं देखती हूँ जाके, अगर बच बचा के जाती हूँ तो मैं, कीचड़ में पूरा एरिया कीचड़ है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से कीचड़ है पूरे पार्किंग में ना, गड्ढे गड्ढे जगह जगह से। तो चलिए मैं अब आप लोगों को मिलती हूँ गुडलक में, दागर के बालों के साथ, कलरफुल हेयर्स के साथ, तो मैं बंद करती हूँ अपनी वीडियो को यहाँ पे, इसके बाद मिलेंगे हम लोग पार्किंग, सॉरी पार्किंग में नहीं, क्या कहते हैं, पार्लर में, गुडलक में, गुडलक सैलून जहाँ पे हम लोग करवाते हैं। तो ये देखिए नज़ारा, पूरा एरिया बादलों में गुम हो चुका है, ये है रोड जो ऊपर को मॉडिफाइड रोड, जिसका जो कि मॉडिफाई हो रखा है, इसके बाद मैंने सुना बड़ा बाज़ार भी मॉडिफाई होने वाला है, ये अच्छा लगेगा। तो ये वाली रोड बारिश में इस तरह से लग रही है, लाइट सभी जली नहीं है, स्ट्रीट लाइट जो जलती है ना इसमें थोड़ी देर में जलने वाली है, शॉप सी लाइट्स आप लोग देख सकते हैं जल चुकी है, सब में सेम पैटर्न उससे नाम लिखे हुए, तो यहाँ पे लोग फोटो फोटो शूट करते हैं इसको बैठ के। खड़ा बाजार, ये अपना खड़ा बाजार शायद, मुझे नहीं पता, खड़ी चढ़ाई है इसमें, तो मैं गुडलक तक पहुँचने में मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो फिर मैं सही में सीधे गुडलक में मिलती हूँ। बड़ा बाज़ार, तो मैं पहुँच चुकी हूँ बड़ा बाज़ार में, और गुडलक पहुँचने ही वाली हूँ, बस दोस्त दो कदम की दूरी पे हूँ गुडलक से, ये बड़ा बाज़ार है, ये शॉप देख सकते हैं आप इधर उधर शॉप से, बीच में रोड है और तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ बारिश में मैं गीली हो चुकी हूँ, पूरी की पूरी गीली हो चुकी हूँ, भीग चुकी हूँ, ये शूज़ पूरे गीले हो चुके हैं। तो ये है अपना गुडलक सैलून, मैं आ चुकी हूँ गुडलक सैलून में, तो मैं आ जाती हूँ अंदर। हो गया, अच्छा आया कलर, अच्छा ओह तेज़ बारिश होगी, नहीं फिर रख दो। तो ये है शानू, ऑनर है गुडलक के। अच्छा यहाँ पे मूवी चल रही है, ये एक सुंदर सा एक्वेरियम है यहाँ पे। तो ये गुडलक सैलून है, यहाँ पे जो है मेल सेक्शन है, ये यहाँ पे मेल्स के कटिंग वगैरह होते हैं एंड टैटू शैटू सब इधर ही में मिलते हैं, मेल सेक्शन है पूरा का पूरा। और मैं ले चलती हूँ आप लोगों को फीमेल सेक्शन की ओर, तो ये है फीमेल सेक्शन, ये है गुडलक का फीमेल सेक्शन कहाँ गई। अच्छा तो ये मैडम बैठी हैं, अभी इनका हुआ नहीं, फिर दोबारा करा के उसके बाद भी, तो मैडम का अभी तक वॉश नहीं हुआ है ना। तो ये देखिए गुडलक सैलून का ये वाला एरिया, सामने मिरर लगा हुआ, मिरर में बड़ा अच्छा सा सेल्फी आ सकता है, एक मिरर सेल्फी है, क्या सर फ्रेश लग रही हूँ, खाना खा के आई हूँ, देखो मैंने कहा था मंगवा देती यहाँ से कुछ खाने के लिए। तो यहाँ से ना नीचे में भी ये फीमेल सेक्शन है, नीचे में भी हेड वॉश हो रहा है, यहाँ पर हो रही है स्ट्रेटनिंग, बालों को स्ट्रेट किया जा रहा है। तो मैं देखिए मार्केट से होके भी आ गई हूँ, दागर का भी हुआ नहीं है, हेड वॉश हो रहा है, इसके बाद फिर ड्राई करेंगे, इसके बाद फिर हो जाएगा दागर का काम ख़त्म। फिर क्या चीज़, अच्छा तो ये कलर आया है दागर के बालों का, दिख नहीं रहा ना इसमें प्रॉपर, प्रॉपर नहीं आ रहा ना इसमें कलर इसका, हाँ
वॉलेट का वॉलेट कलर बोला आपने, बैगनी वॉलेट बैगनी ये आप दिख रहा है ना, ये कलर है, तो इस तरह का कलर है। तो ये आ गया दागर, कटिंग करवा लिए। बहुत ही कम नहीं जाएंगे, देखेंगे भी थोड़े ऐसे कि पता भी चले है। थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, अच्छा हाँ देख लीजिए आप। वैसे बहुत ही वो भी ना लगेगी, बहुत ही गंदे सिज्जू भी ना लगे बाल कटे। सिज्जू के अभी भी कटिंग कराइए, देख लेते आंखों भी आएंगे तो ठीक है। थोड़े शॉर्ट कर दो ना, कुछ टाइम तक तो आंखों से ऊपर रहे, फिर बाद में आंखों पे आने। तो फ्रेंड्स देखिए दागर के बाल हो गए हैं, अब हम लोग निकल पड़े हैं। तो दागर का जो अम्ब्रेला है ना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये अम्ब्रेला ऐसा दिखे, तो इतना ही दिखेगा रहने दे अब। तो ये इस तरह से दिखे ड्रॉप जो है ना, इसमें ये इस कलर के है, जैसे इस पर बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो इसके कलर चेंज होकर इस तरह से हो जाएंगी। जैसे मैंने अपने अम्ब्रेला में दिखाया ना, उसमें भी बूंदे पड़ते बटरफ्लाई का कलर चेंज हो जाता है, वैसे इसके अम्ब्रेला में भी कलर चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये है नानक, यहाँ से दागर ले रही है कबाब। तो दागर का फेवरेट ऑल टाइम कबाब, तो कबाब ही लेती होती है हर टाइम। कल जाना है तो उसे लास्ट कबाब का एक पैकेट यहाँ से जाएगा भी, इसके बाद हम कबाब फिर नहीं लेंगे, तब तक ये वापस नहीं आएगी तब तक। तो नानक यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी एक ही स्टोर में, सब कॉस्मेटिक से लेकर आपको सब कुछ ही मिल जाता है। इसमें बेकरी भी है, इसमें सब कुछ है इसमें। तो यहाँ पे नानक का जो बेकरी है ये इस तरह से है, तो देख सकते हैं आप। बारिश पड़ रही है, लोग छाते वाते लेके घूम रहे हैं बड़ा बाजार में। बारिश मानसून स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो सब लोग छातों के साथ ही नज़र आएंगे। तो इस वाली रोड में ना लाइट अभी तक जली नहीं है, जो चढ़ाई वाली जो रोड है इसमें चढ़ाई वाली मार्केट की लाइटें जली नहीं है। तो यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं फील्ड के लिए जाने वाला जो रोड है ये, और यहाँ से इस साइड को रिक्शा स्टैंड के लिए जाते हैं हम लोग। इस तरफ रिक्शा स्टैंड की रोड है ये, और इस तरफ को है ये बड़ा बाज़ार। तो हम लोग अब बड़ा बाज़ार से होते हुए निकलेंगे ऊपर। छाते ही छाते, रंग बिरंगे कलरफुल छाते। तो यहाँ पे है स्वीट शॉप्स, इस वाली लाइन में पूरा स्वीट शॉप है ये, और बड़ा गीला गीला सा हो रहा है, पैरों में पानी की बूंदें जा रही ना, गंदा गंदा सा लग रहा है। मेरे हाथों में इतनी बुरी तरह का इन्फेक्शन हुआ, ऐसा लग रहा है पैरों में ना हो जाए इन्फेक्शन कहीं। मैं चप्पल पहन के आई जानबूझ के, बन गया बारिश, मैं चप्पल पहनती हूँ, बट क्या है कि जो ये पानी पैरों में जा रहा है तो बहुत ही गंदा गंदा सा लग रहा है, गंदा लग रहा है, गंदा पानी, जबकि गंदा तो नहीं बारिश का पानी से जा रहा। तो इस साइड में नीचे को ना यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, मैंने जो कल परसों एक ब्लॉग में अपने एक ब्लॉग में दिखाया था सब्जी मंडी का भी मैंने। तो देखिए दागर का जो अम्ब्रेला वाइट था ना, कलरफुल हो गया है। दागर छाता आगे ऊपर, आगे ऊपर तो छाता, तो हेयर कलर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दागर का हेयर कलर, मेरे को ना ब्लॉन्ड भी तेरे पे अच्छा लग रहा था, ये कलर उतना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। ब्लॉन्ड कलर मस्त था, ब्लॉन्ड जो था वो मस्त था। तो देखिए छाते ही छाते, रंग बिरंगे कलरफुल छाते, छातों के छाते। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को बंद ना। ये एवन बेकरी है यहाँ पे, उसके बगल में भी मॉडर्न बेकरी है, उसके बगल में पंजी की दुकान है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को यहीं पे बंद, और मैं डालती हूँ मोबाइल को जेब में, क्योंकि मोबाइल ना गीला हो रहा है, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और मेरी सांस भी चढ़ रही है, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब घर पहुँच के मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी, घर पहुँचने के बाद मैं इसी वीडियो को एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं करती हूँ।